बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे एयरलाइन की टिकट कितने की है। पाकिस्तान से अगर आप यूएई के किसी शहर में जाते हैं, दुबई, शारजा, तो आपको टिकट का रेट पता होना चाहिए कितने की है। 13 अक्टूबर की जो टिकट है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से अगर आप लोग यूएई दुबई जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं लाहौर से दुबई जा रही है 13 अक्टूबर को, फ्लाई नास जा रही है और एक स्टॉप है रियाद में, और 4:30 पे 13 अक्टूबर को जा रही है। टिकट का रेट है $535, पाकिस्तानी 90,000 रुपये बनता है। फिर उसके बाद जो लाहौर से दुबई की है जजीरा एयरलाइन, और 6:20 में 13 अक्टूबर को जाएगी, एक स्टॉप कुवैत का है, और जो टिकट का रेट है वो $570 है, पाकिस्तानी 97,000 बनता है। और इसी तरह लाहौर से दुबई की टिकट है ओमान एयरलाइन, एक स्टॉप ओमान में है, 9:40 पे 13 अक्टूबर को जाएगी, $736 की है, पाकिस्तानी 1,25,000 रुपये तकरीबन बनते हैं। इस्लामाबाद से अगर आप लोग जाना चाहते हैं दुबई, तो ओमान एयरलाइन है, 8:50 में जाएगी 13 अक्टूबर को, और एक स्टॉप जो है ओमान में है, और टिकट का रेट $1,121 है, पाकिस्तानी 1,90,000 रुपया बनता है। और इस्लामाबाद से जो है जनाब दुबई की एमिरेट्स से लाइन है, डायरेक्ट है, 10 जाएगी 13 अक्टूबर को, $1,590 की तकरीबन, और पाकिस्तानी 2,70,000 रुपया बनता है। टिकट के रेट बहुत ज़्यादा हो गए 13 अक्टूबर। फिर आपको कराची की बताए, कराची के रेट कम है। कराची की जो टिकट है वो है जनाब कराची से दुबई जा रही है गल्फ एयरलाइन, एक स्टॉप है बहरीन में, 7 जाएगी 13 अक्टूबर को, $480 तकरीबन डॉलर की है, पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 रुपया बनता है। कुवैत कराची से दुबई जा रही है ओमान एयरलाइन, और 12 जाएगी, एक स्टॉप जो है ओमान में है, $550 की है तकरीबन, पाकिस्तानी 90,000 रुपये की। फिर कराची से शारजा जा रही है 13 अक्टूबर को, और 4:20 पे एक स्टॉप है दोहा में, कतर एयरलाइन है ये, और $617 की, पाकिस्तानी 1,04,000 रुपये बनता है। ये थी इन्फॉर्मेशन एयरलाइन की, मैंने कहा आपसे शेयर करो, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।